सो गाइस जो आपने अभी एकदम अमेजिंग तगड़े वाले शॉट्स देखे पीसी के, वो पीसी बिल्ड हुआ है इन कंपोनेंट्स पे जिसकी कॉस्टिंग अराउंड आ जाती है 4.20 लाख। तो चलो बात कर लेंगे डिटेल में इन कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड इसमें हमारा लगा हुआ है MSI की तरफ से आने वाला मैग X670E कार्बन वाईफाई वाला मदरबोर्ड। ये AMD वाला मदरबोर्ड रहेगा और ये एड्रेसेबल RGB पोर्ट्स के साथ आता है। मतलब आपको अगर एड्रेसेबल RGB से अपने कैबिनेट्स के फैन एंड ऑल सिंक करना है तो ये मदरबोर्ड बेस्ट है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट प्रोसेसर की बात कर ले तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है AMD का Ryzen 9 7000 सीरीज का 7950X वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर आता है 12 कोर्स के साथ में और ये क्लॉकेबल है 5.6 GHz तक। नाउ टॉकिंग अबाउट GPU, तो भाई GPU यहाँ पे देख सकते हो जो हमने लगाया है वो भी MSI की तरफ से आने वाला RTX 4090 सुप्रीम लिक्विड X 24 GB VRAM वाला GPU है ये। और ये GPU में ही देख सकते हो 240mm का रेडिएटर लगा हुआ है भाई। मतलब GPU कूलिंग के लिए इन्होंने एक रेडिएटर ही दे दिया है GPU में ही। और भाई GPU बहुत अमेजिंग है और इसके फैंस तभी चलेंगे जब नीड होगी और बिल्कुल ही साइलेंट फैंस रहेंगे इसके। नाउ रैम की बात करें तो रैम यहाँ पे हमारी जो रहती है वो Zscaler की तरफ से आने वाली ट्राइडेंट Z5 नियो RGB वाली रैम रहेगी और 32 GB की रैम यहाँ पे लगाई गई है, मतलब 16x2 और रैम की फ्रिक्वेंसी हमारी 6000 MHz की है एंड ऑब्वियसली ये DDR5 वाली रैम रहेगी। नाउ स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमारी XPG की गेमिंग एक्स S70 ब्लेड वाली 2 TB की SSD लगी हुई है और ये SSD Gen 4 वाली SSD है और यहाँ पे हीट सिंक के साथ आती है ये SSD। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पे WD ब्लैक की भी SN770 NVMe वाली SSD लगी हुई है जो कि 1 TB की Gen 4 वाली SSD है। तो दो SSD इसमें लगी हुई है, दोनों ही Gen 4 हैं। यहाँ पे AIO जो हमारा लगा हुआ Corsair की तरफ से आने वाला H170i Elite LCD वाला AIO लगा हुआ। मतलब LCD में आप इसमें अपना लोगो लगा सकते हो, अपनी फोटो लगा सकते हो या टेम्परेचर एंड क्लॉक स्पीड वगैरह देख सकते हो। और कैबिनेट में RGB का और तड़का देने के लिए यहाँ पे कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला मास्टर फैन MF120 प्रिज्मिक वाला फैन यूज किया गया है और ये क्रिस्टल लाइटिंग इफेक्ट देता है, बहुत प्यारा लगता है और इसे आप अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर वगैरह से भी सिंक कर सकते हो। नाउ एट द एंड पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई भी आती है कूलर मास्टर की तरफ से जो कि MWB गोल्ड V2 1250W की फुल्ली मॉड्यूलर वाली पावर सप्लाई। आप कहोगे भाई आपने इतने सारे कंपोनेंट तो गिना दिया, अभी कंपोनेंट क्या हम हाथ में लेके जाएंगे? अरे यार कैबिनेट बताता हूँ, कैबिनेट इसमें कौन सा यूज किया गया है। तो कैबिनेट की बात कर ले तो यहाँ पे हमारा कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला HAF 700EO वाला कैबिनेट यूज किया गया है। ये कैबिनेट वाटर कूलिंग सपोर्टेड कैबिनेट है भाई और यहाँ पे ना आपको LCD असिस्टेंट भी मिल जाता है फ्रंट साइड में, देख सकते हो जहाँ पे क्लॉक स्पीड या टेम्परेचर वगैरह अपना देख सकते हो। और इतना ही नहीं भाई, ये कैबिनेट ARGB Gen 2 सपोर्टेड कैबिनेट है। तो कैबिनेट तो बहुत ही अमेजिंग कैबिनेट है और बाकी फ्रंट साइड में इसके जो पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं वो भी आप देख सकते हो कौन कौन से हमें यहाँ पे पोर्ट्स मिलते हैं। तो यार गाइस ये थी कुछ बातें एक मॉन्स्ट्रस पीसी बिल्ड के बारे में जो था अराउंड 4.20 लाख में। और देख सकते हो भाई क्या ही ब्यूटीफुल बूटअप है इस पीसी का। और ये पीसी मोस्टली बिल्ड हुआ है MSI और कूलर मास्टर के कंपोनेंट्स के साथ में। यहाँ पे कैबिनेट कूलर मास्टर का काफ़ी अमेजिंग है, MSI का मदरबोर्ड एंड MSI का GPU अलॉन्ग विद कूलर मास्टर के पावर सप्लाई एंड फैंस। ऐसे ही अमेजिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो विशाल कंप्यूटर विजिट करके अपना पीसी बिल्ड करा सकते हो। कुछ भी आपका बजट हो, कितने भी आपके पास पैसे हो, कम से कम में और ज़्यादा से ज़्यादा बजट में यहाँ पे आपका पीसी बिल्ड हो जाएगा। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।